हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एनएमपी टेलर में। मैं हूं आपका दोस्त संसार। दोस्तों, आज की वीडियो में शर्ट कटिंग करेंगे यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये हमारे जो फौजी भाई होते हैं जो पहनते हैं शर्ट यूनिफॉर्म, ये उनका है, सीमा सुरक्षा बल का यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म की कटिंग बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से देखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को प्रेस करके और ब्रेक दीजिए, क्योंकि इसका कटिंग के बाद इसका स्टिचिंग का वीडियो भी जल्दी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कटिंग को, चलते हैं काउंटर पे। दोस्तों, हम आ चुके हैं काउंटर पे और ये जो कपड़ा है, कपड़ा हमने लिया है 180 में। नॉर्मली इसमें 160 में शर्ट बन जाता है, लेकिन यूनिफॉर्म है तो इसमें एक्स्ट्रा हमें पॉकेट वॉकेट लगाना होता है, फ्लाफ है, शोल्डर फ्लाफ है। तो 180 हमने कपड़ा लिया है और कपड़े को जो है बिछा रखा है। इसमें देखिए ये जो किनारी है, किनारे पर देखें लिखा है कि सीधा जो कपड़ा होगा अंदर की तरफ रहता है। बिछाने के बाद देखिए सबसे पहले ऊपर हम सीधे पट्टी से सीधा एक मार्क कर लेते हैं। जो हमने मार्क किया है, इस मार्क पे अपने इंच टेप को रखेंगे और बिल्कुल सीधा रखें। सबसे पहला मार्क करेंगे शोल्डर डाउन का 2 इंच पे। इसके बाद सीने का 1/4, 37 इंच सीना है तो सवा नौ बैठता है, तो 1/2 इंच कम करके 9 इंच पे मार्क करेंगे। पेट का मार्क करेंगे इसका 17.5 इंच पे। टोटल लंबाई है 29 इंच और 1 इंच प्लस करके 30 इंच पे मार्क करेंगे। फिर सभी मार्क को सीधा पट्टी से सीधा कर लेते हैं पहले। दोस्तों, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हम इसका कटिंग देखेंगे यूनिफॉर्म का। देखिए सभी मार्क को सीधा कर लिया है। इसके बाद जो है इसका किनारे जो है, किनारे को हम कटिंग करके निकाल लेंगे बाद में। अब किनारे छोड़ने के बाद 2 इंच का एक मार्क करेंगे, जो हमारा कपड़ा अंदर फोल्ड करने के लिए होता है, फ्रंट पट्टी बनाने के लिए। तो 1.5 इंच का पट्टी यूज करेंगे इसमें, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना होता है हमें। इस मार्क को भी सीधा कर लेते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे 2 इंच। अब इसके बाद जो है सबसे पहले शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर है इसका 18 इंच, तो 18 का हाफ करेंगे तो 9 इंच, ठीक है। तो एक मार्क करेंगे 9 इंच पे और 1/2 इंच मार्जिन देंगे सिलाई के लिए। इसके बाद यहाँ पे इसका हाला का मार्क लगा लेते हैं कॉलर का। तो कॉलर है इसका 16 इंच का, तो इसका बैठेगा 3 इंच, दोनों तरफ से 3 इंच पे मार्क कर लेते हैं। कॉलर इसका थोड़ा कभी भी फिक्स नहीं कटिंग करना है, शर्ट का कॉलर थोड़ा कम रहेगा तो कटिंग करके जब बनाएंगे उस टाइम पे कर लेंगे। ये जो है कंधी का मार्क कर देते हैं सीधे पट्टी से। इसके बाद सीने का 1/4, सीना 37 इंच है तो 1/4 होगा 9.25 इंच, और प्लस जो है इसमें 2 इंच का लूजिंग देंगे। इसके बाद कमर का मार्क लगाएंगे। कमर का मार्क है इसका 35 इंच, लिख देते हैं यहाँ पे। सीना 37 इंच और हिप है इसका 41 इंच। देखिए इस कमर है इसका 35 इंच, तो 1/4 और इसमें लूजिंग देंगे 1/2 इंच का। ये बिल्कुल मीडियम फिटिंग के लिए है। और हिप का मार्क कभी भी लंबाई से ऊपर लगाते हैं 2.5 इंच 3 इंच पे। लॉन्ग शर्ट है इसके लिए इसका 3 इंच पे हिप नापे हैं ऊपर, तो 1/4 होता है 41 का 10.25 इंच, और इसमें लूजिंग देंगे 1.5 इंच का। इसके बाद यहाँ पे जो सीने का 1/4 किए हैं उससे 1 इंच माइनस करके लगा मार्क करेंगे तख्ती के लिए, और इस कंधी और तख्ती के मार्क को राउंड वाले स्केल से मिला लेते हैं इस तरह। इसके बाद साइड का जो मार्क है इसको मिला लेते हैं इस तरह। यहाँ पे स्केल को पलटी कर लेते हैं क्योंकि पेट बहुत ही कम, इसका हिप ज़्यादा है थोड़ा,
बीच में कोना बन रहा है, इसको कटिंग टाइम थोड़ा सही कर लेंगे। इसके बाद आर्म होल को राउंड कर लेते हैं। ये ओपन शर्ट है तो नीचे से 2.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, इतना इसको उठाना है हमें राउंड इस तरह से। लॉन्ग शर्ट है, अगर लॉन्ग कम रहता है तो 2 इंच तो कम से कम उठाना ही होता है। इसका जो है हम कटिंग कर लेते हैं, इसका मार्क पूरा हो चुका है। और इसका जो इसमें डबल पॉकेट फ्लाफ लगता है तो हमने इसका मार्किंग नहीं किया इस पर, क्योंकि हमें बनाना हमें ये इसको, तो इसके लिए मार्क नहीं किया है। अन्यथा अब देखे होंगे वो यहाँ पे मार्क कर दिया जाता है। तो देखिए इसका जो हमारा कटिंग पूरा हो चुका है। अब आप देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं मार्क से हमने थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है एक सूत, तो नॉर्मली जो मार्जिन तो इसमें रहता ही, लेकिन एक सूत एक्स्ट्रा रहेगा तो कभी बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगा तो कर लेंगे हम इसको। अब जो है कपड़े को यहाँ पे पल्टी कर लेते हैं, क्योंकि ये डबल आर्ज का कपड़ा है तो इसका बैक और फ्रंट एक ही जगह पे निकल जाएगा बिल्कुल आसानी से। देखिए इस पर अपना फ्रंट जो है जमाते हैं। फ्रंट जो है इस मार्क से 1.25 इंच अंदर जो हमारा बैक का कपड़ा रहेगा वहाँ से हमें बाहर रखना अपना फ्रंट पट्टी, सॉरी फ्रंट पर बीच में कटिंग किया है वो 1.25 इंच बाहर रखेंगे अपना बैक का जो कपड़ा फोल्ड है उससे। 1.5 इंच का पट्टी है तो 1.25 इंच जो है तलपट में चढ़ जाएगा इस तरह से। अब ये जो शोल्डर वाला मार्क है यहाँ से मार्क को उठा लेते हैं, यहीं से हम अपना शोल्डर जो है कटिंग करेंगे। शोल्डर है 18 × 9.5 और 1/2 इंच मार्जिन देंगे इसमें, जिस तरह से हमने बैक में फ्रंट में कटिंग किया था उसी तरह से 1/2 इंच मार्जिन। इसके बाद यहाँ से बैक में 1 इंच आगे मार्क करेंगे, इसके लिए हमारा थोड़ा क्रॉस बैठेगा, नीचे राउंड कर लेते हैं। इसमें बैक में राउंड कम ही होता है, ये बैक का मार्क पूरा हो चुका है, बैक में ज़्यादा कुछ नहीं रहता है कटिंग करने के लिए, मार्क करने के लिए बिल्कुल हमें फ्रंट के हिसाब से कटिंग करना होता है नीचे का और साइड का। दोस्तों ये उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका स्टिचिंग का वीडियो भी जल्दी आएगा आप लोगों के बीच। देखिए जो बैक इसका हमारा कटिंग हो चुका है, अभी देखिए इसका शोल्डर हमें कितना चौड़ा कटिंग करना है, बहुत ही सिंपल है, अपने बैक पर 1/2 इंच चढ़ा कर रखेंगे तो इस तरह से हमने अपना फ्रंट को सीधा कर दिया है। देखिए कहाँ पे आ रहा है, ये 2.75 इंच आ रहा है तो इसमें 3 इंच में बढ़ाना है, ठीक है। अगर हम साथ में कटिंग करते हैं तो फ्रंट से बैक जो है 3 इंच हमें एक्स्ट्रा बढ़ा के रखना होता है, तो 2.75 इंच का शोल्डर हमें कटिंग करेंगे चौड़ा इसमें। पहले इसका आस्तीन कटिंग कर लेते हैं, यहाँ जो कपड़ा है इस तरह से लगा हुआ, कपड़े को यहाँ पे क्रॉस में फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करने के बाद ऊपर जो है सीधा मार्क करेंगे छोटा सा। इसके बाद देखिए यहाँ से मार्क कर लेते हैं 4 इंच पे, 4.5 इंच कर देते हैं, और जो टोटल हमारा आस्तीन का लंबाई है उसमें 1 इंच कम करके मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद ये
दोनों बार को सीधा कर लेते हैं। जो हमने आर्मोल कटिंग किया था सेम उतने रख देंगे 9 इंच पे। और यहाँ बॉटम जो है इसका कफ जो लगाना है, कफ इसका रहेगा 9.5 इंच का, तो 9.5 इंच का कफ है तो उसका अगर हाफ करते हैं तो बैठता है 4.5 इंच, 4.5 प्लस इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करके 4.5 इंच में मार्क कर लेते हैं इस तरह, क्योंकि इसमें चाक पट्टी नहीं बनेगा। यूनिफॉर्म में चाक पट्टी इसमें नहीं बनेगा, इनका सैंपल दिए हुए हैं। इस तरह से स्केल से मिला लेते हैं इसको, देखिए इसका जो मुंडा इस तरह से राउंड करके कटिंग करेंगे। इधर बिल्कुल मार्जिन नहीं रखना है, जो भी मार्क हमने किया है मार्क पे ही कटिंग कर लेंगे। ये जो है हमारा सीन जो है कटिंग हो चुका है इसका पूरा। अब इसका फ्रंट जो है आगे का उसमें गड्ढा रहता है, देखिए आस्तीन को इस तरह से खोल लेते हैं। खोलने के बाद यहाँ से इस तरह से 1.5 इंच जाते जाते कपड़ा जो है निकाल लेंगे। देखिए जो हमारा इसका आस्तीन भी कटिंग हो चुका है, अब सिर्फ इसका शोल्डर कटिंग करना हमें। देखिए डबल शोल्डर कटिंग करना है, ये कपड़ा है शायद यहाँ पे हमारा बैठ जाएगा, जी बैठ जाएगा यहाँ पर, तो हमें डबल शोल्डर ही कटिंग करना है। ये डबल पीस इस तरह से लगा हुआ है, बस सिंपल से इसका जो है किनारे जो है इसका कटिंग करके निकाल लेंगे यहाँ पे, क्योंकि किनारे हमें चाहिए नहीं ना यहाँ पर, तो इसका किनारे कटिंग करके निकाल देते हैं बाहर। के बाद इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ठीक है। देखें यहाँ पे 4 पीस बन जाएगा हमारा, 2 इसमें और 2 ऊपर वाले में। शोल्डर का जो लंबाई है 9.5 इंच और ऊंचाई जो चौड़ाई हमने देखा इसको बताया था आपको 4.5 इंच, तो 4.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे 4.5 इंच मार्क करके ऊपर से कंधे डाउन करेंगे 2 इंच, ठीक है। पर इस मार्क को सीधा कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर 9.5 इंच मार्क कर लेते हैं, नीचे भी 9.5 इंच। हाला जो है हमने कटिंग किया था 3 इंच और बैक में गिराएंगे 2.25 इंच। देखिए इसका बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से। तो दोस्तों ये जो है हमने शोल्डर का मार्क कर लिया, इसको कटिंग कर लेते हैं। ये जो है इसका शोल्डर कटिंग हमने कर दिया है, तो फाइनली जो है यूनिफॉर्म का जो कटिंग पूरा हो चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि इसका स्टिचिंग का वीडियो भी बहुत ही जल्दी आएगा, ठीक है आप लोगों के बीच। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।
मस्त रहे।